हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं लैंसडाउन में, द गढ़वाल राइफल में, यहाँ पर घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी शताब्दी द्वार आया था और हम यहाँ से होते हुए जा रहे थे कैंट एरिया के साइड। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर स्टैचू बने हुए थे, जो यहाँ पर आर्मी में काम करते हैं, जो गढ़वाल राइफल में होते हैं, उन्हीं के स्टैचू बने हुए थे। काफ़ी अच्छा व्यू था। और ये यहाँ पर एक लोगो बना हुआ था त्रिशक्ति के नाम से, इसमें एक ईगल था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसके त्रिशक्ति का नाम दिया हुआ था इन लोगों ने। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर ही हमने एक बहुत ही विशाल फाइटर जेट देखा, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं। ये फाइटर जेट है, इंडियन नेवी का फाइटर जेट है, ये काफ़ी बड़ा फाइटर जेट है। इस पर लिखा भी हुआ है नौसेना। ये इंडियन नेवी का फाइटर जेट है। ये कैंट एरिया में ही एक गार्डन था, उसमें हम गए और वहाँ पर था, ये पार्क था, यहाँ पर झूले भी थे बच्चों के। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है, छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए हैं, इनसे होते हुए जा रहे थे। और ये बीच में यहाँ पर फुहारा चलता है रात में, उसी का था, फाउंटेन होता है यहाँ पर, और हम लोग जा रहे थे। और बहुत ही प्यारा व्यू था, ये बहुत ही अच्छा गार्डन है। आप लोग आए तो यहाँ पर ज़रूर आए। और यहाँ पर आपने देखा ही है, ये देखिए, ये जहाज़ ऐसे ऊपर था, बहुत ही अच्छा फाइटर जेट, बहुत ही विशाल फाइटर जेट था, बहुत ही अच्छा देखने की जगह है ये लैंसडाउन में, तो आप भी ज़रूर आएँ। और इससे इधर जाके ही यहाँ पर जो था, ऊपर एक रूम था जिसमें कि बहुत सारे रैबिट और पीजन थे, उनको दाना डाला जाता है और वो दाना खाते हैं, और वो यहाँ पर पैट ही है, पैट एनिमल है। आप देख सकते हैं कुछ बर्ड्स हैं, कुछ यहाँ पर रैबिट हैं और कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स में पीजन ही है मोस्टली। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे पीजन और रैबिट हैं यहाँ पर। और ये आपको देख सकते हैं कि ये फाइटर जेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। यहाँ से आपको फाइटर जेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।